कायद अजम इंडस्ट्रियल स्टेट से जेल जाने वाला गेट आम शहरियों के लिए बंद। कोट लखपत जेल इंतजामिया ने गेट को आम शहरियों के लिए बंद कर दिया। कैदियों के अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। मोहम्मद अली से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अली बताइएगा। जी कोट लखपत जेल की जानब इंतजामिया की जानब से आज सुबह जैसे उनको अहकाम मिले हैं तो सिर्फ जेल के मुलाजमीन और गैर मुल्की कैदियों की आज मुलाकात है। सजाए मौत कैदियों की उनके सिर्फ 25 लवाकिन जो हर जुमेरात को पेश होते हैं मुलाकात के लिए, उनके अलावा किसी किस्म की किसी फर्द को प्राइवेट बंदे को इजाजत नहीं दी जा रही। मेन इंडस्ट्रियल गेट को भी जो था वो आम आदमी के लिए बंद कर दिया गया। अभी कुछ देर कबल 90 कैदियों समेत कारकुनों समेत पीटीआई के अहम कैदियों से जितने भी रहनुमा है उनको अदालतों की तरफ रवाना कर दिया गया। इसमें जुबैर नियाजी और जो आबाद फारूक है जिन पर दहशत गर्दी का मुकदमा है उसके हवाले से जेल हुकाम ने अभी तस्दीक नहीं की कि उनको दहशत गर्दी अदालत में पेश किया जा रहा है या उनको मुतलका थाने के हवाले किया जाएगा जो उनके तमाम ट्रायल के हवाले से जिमनियाँ बना के अदालत में पेश करेंगे। इस हवाले से आई जी जेलखाना जात की जानब से अहकाम आज सुबह इनको मौसूल हुए कि किसी भी गैर मुतलका शख्स को या गैर मुतलका पर जो भी जेल से रिलेटेड नहीं होगा उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अभी कुछ देर कबल जो सर जो जो शाह महमूद कुरैशी की गाड़ी, आजम खान नियाजी की गाड़ी, इसी तरह आजम सवाती की जो गाड़ी है वो जेल से जेल वैन के साथ ही रवाना हुई। उनमें उनकी मेडिसिन और उनका नाश्ता मौजूद था जो जेल हुकाम ने अंदर नहीं जाने दिया था क्योंकि जेल हुकाम की जानिब से आज सुबह उन्हें नाश्ता मुहैया कर दिया गया। जी शुक्रिया अली।